जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि SSC वेरियस ऑफिसर एंट्री ऑनलाइन फॉर्म 2020-21 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहां पर करंट इवेंट्स के अंदर देख सकते हो कि आपका नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया है जिसमें कि आप 18 दिसंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहां पर आप रीड भी कर सकते हो। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, यहां पर आपकी वेरियस एंट्रीज है जून 2021 के लिए। इसमें आपको बताया कि किसके लिए कितने पद निकाले हैं और अप्लाई करने के लिए आपसे एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए और उस पोस्ट पर मेल या फिर फीमेल कौन अप्लाई कर पाएगा, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर ब्रांच वाइज आप जानकारी अच्छे से कंफर्म कर लीजिए और जब आपको लगे कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अब दोस्तों मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से घर बैठे, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा और जो आप ये फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी लेकर क्या है, अनअकैडमी चैंपियंस लीग जिसमें कि एनडी एयरफोर्स, एक्स एंड वाई नेवी एस्पिरेंट और सीडीएस एफकैट सीएपीएफ एस्पिरेंट ज्वाइन कर सकते हैं यानी कि फ्री में इसके अंदर भाग ले सकते हैं। और ये जो आपका एग्जाम है ये आपका 20 दिसंबर 2020 सुबह 11 बजे होने वाला है। अगर आप इसको लाइव अटेम्प्ट करते हो और अपनी रैंक फर्स्ट लेकर के आते हो तो आपको अमेजन के ऊपर 5000 रुपए का वाउचर दिया जाएगा और अगर आपकी रैंक 4 से 10 के बीच में आती है तो आपको 1000 रुपए का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। तो आप जल्दी से जाइए और इसको ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ज्वाइन करने के लिए कोई भी चार्ज पे नहीं करना है और ऊपर से अगर आप इसमें अपनी रैंक फर्स्ट से 10 के बीच में लेकर के आ जाते हो लाइव अटेम्प्ट करके तो आपको यहां पर यह वाउचर जीतने का मौका भी मिल जाएगा। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। इसके अलावा दोस्तों अकेडमी लेकर क्या है अशोका, जिसमें कि बेसिकली आपको एनडीए डिटेल्ड बैच कोर्स फॉर 2021 के कराए जाएंगे जिसकी बैच 16 दिसंबर से स्टार्ट करके 16 मार्च 2021 तक चलेगी। और ये जो आपको बैचेस या फिर लाइव क्लासेस दी जाएगी ये आपको इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एडुकेटर के माध्यम से दी जाएगी। किस सब्जेक्ट की क्लास किस एडुकेटर के द्वारा ली जाएगी उनके नाम आप यहां पर देख सकते हो। तो अगर दोस्तों आप एनडीए एयरफोर्स एक्स एंड वाई नेवी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यहां पर आपको 12 मंथ का प्लान 8000 रुपए का पड़ेगा, बट अगर आप मेरे कोड ज्ञानदेव होस्ट का इस्तेमाल करोगे तो यहां पर आपको 10% की तुरंत छूट मिल जाएगी। तो उसको लेने से पहले कोड का इस्तेमाल करना मत भूले क्योंकि आपको कोड भी और लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो इनका दिया है। और यहां पर दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो एनडी एयरफोर्स एक्स एंड वाई नेवी की तो आप अनअकैडमी वॉरियर्स, अनअकैडमी सोरिया जो अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल है उनको ज्वाइन कर सकते हो, उनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा अगर आप यहां पर जो अनअकैडमी के क्विज है इनको ज्वाइन करना चाहते हो और अपनी प्रिपरेशन बेहतर करना चाहते हो तो आप इनको फ्री में ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद टेस्ट के सेक्शन में जाना है, फिर आपको ज्वाइन क्विज के ऊपर क्लिक करके जो मेरी क्विज आईडी है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वो डाल करके क्विज के अंदर ज्वाइन हो जाना है और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर लेना है। तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और आने पर अगर आपने पहले जो इंडियन नेवी की वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई किया था तो आपको डायरेक्टली लॉग इन करना है, नहीं तो आपको यहां पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको चूज करना है कि आप किसके माध्यम से रजिस्टर होना चाहते हैं, आधार वर्चुअल आईडी या फिर आधार नंबर। तो यहां से हम ये सेकंड सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको गवर्नमेंट इश्यूड फोटो आईडी चूज करनी होगी, इनमें से आप कौन सी आईडी देना चाहते हो आपको चूज करना होगा, इनमें से कोई एक आईडी आपको देनी आवश्यक है। फिर इसके बाद आपको जो भी आईडी आपने चूज किया उसका नंबर यहां पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहां पर फिलअप करना है और फिर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी जिसमें कि आपको सबसे पहले अपना नेम फिलअप करना है और ये नेम आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार यहां पर भरना है। पहले फर्स्ट नेम डालिए, अगर आप मिडिल नेम है तो यहां पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है और जो भी आपका वैलिड मोबाइल नंबर है वो यहां पर आपको एंटर करना है। फिर आपको यहां पर अपने पापा या फिर आपकी जो माता जी है उनका नाम एंटर करना है और ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। गार्जियन नेम जो भी आपके अभिभावक है आप उनका नाम यहां पर दे सकते हैं, चाहे वो आपका भाई हो, आपके माता हो, आपके पिता हो। फिर पैन कार्ड जो आपने नंबर यहां पर यानी कि जो भी आईडी आपने चूज की थी उसका नंबर आपको देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों यहां पर आपको अपनी DOB एंटर करनी है और ये
DOBB भी आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही होनी चाहिए। आपको यहाँ पर पहले अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद यहाँ से आपको अपना मंथ सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से आपको डे सेलेक्ट कर लेना है, तो आपकी DOBB आ जाएगी। नेशनलिटी के अंदर आपको यहाँ से इंडियन या फिर जो भी आपकी नेशनलिटी है वो चूज करनी है। डोमिसाइलियन की आप किस स्टेट के निवासी है वो स्टेट यहाँ से आपको चूज करनी है। जेंडर अपना यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है वो यहाँ से आपको चूज करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट और टू, बेसिकली अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, चाहे वो मार्क कैसा भी हो, जलने का, कटने का, वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं मोल ऑन माई CHICK यानी कि ये मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। इसको लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों आइडेंटिफिकेशन मार्क टू, अगर आपके बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क है तो आप यहाँ पर उसके बारे में लिख दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नो मार्क लिख दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चूज करनी है कि आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है। तो चलिए हम यहाँ से इसमें से कोई एक क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आती है एडिशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इस क्वालिफिकेशन के अलावा अगर आपके पास कोई एक इनमें से क्वालिफिकेशन है जो कि यहाँ पर है तो चूज कर लीजिए, नहीं तो आपको यहां पर इसमें से ऐसे ही रहने देना, यानी कि प्लीज सेलेक्ट ही रहने देना है। इसके बाद अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स में आपको यहां पर अपनी वैलिड मोबाइल ईमेल आईडी एंटर करनी है और फिर आपको क्या पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड यहां पर एंटर करना है। उस पासवर्ड को दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है और आपका जो पासवर्ड है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि अंग्रेजी का छोटा अक्षर, बड़ा अक्षर, आपका एक स्पेशल वर्ड, इसके अलावा डिजिट होना आवश्यक है। जैसे कि मेरा नाम है अमजद, तो मैं यहां पर ए कैपिटल करूंगा, उसके बाद MZAD में स्मॉल में लिखूंगा और स्पेशल कैरेक्टर में मैं @ या फिर डॉलर का जो चिन्ह होता है उसका इस्तेमाल करूंगा और बाद में कोई भी डिजिट 2-3 लगा दूंगा तो पासवर्ड यहां पर बन जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। फिर आपको यहां पर जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है कैप्चा कोड फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको इन दोनों के ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद यहां से आपको SMS लैंग्वेज चूज कर लेनी है और जितनी भी जानकारी यहां पर आपने भरी है इन सबको एक बार कंफर्म करने के बाद ही आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई होगी और आपको यहां पर एक ग्रीन लाइन के अंदर बोला जाएगा कि आपको ईमेल 24 घंटे से पहले वेरीफाई कर लेनी है। जैसे आप उसको वेरीफाई कर लो तो आपको यहां पर होम पेज से लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आपको अपनी स्टेट चूज करनी है। स्टेट चूज करने के बाद यहां पर जो कैप्चा कोड आपके सामने दिया जा रहा है यह कैप्चा कोड आपको यहां पर फिलअप करना है। तो चलिए इसको फिलअप करके हम यहां से सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब आपको यहां पर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है और जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया था वो पासवर्ड यहां पर एंटर करना है। जो कैप्चा कोड आपके सामने दिया जा रहा है कैप्चा कोड फिलअप करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आप लॉगिन हो जाओगे और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस भी आ सकता है, बट अभी आपके सामने यूजर प्रोफाइल का सेक्शन आएगा जहां पर आपको अपनी प्रोफाइल अभी ऐड करनी है। ये ऐड करने के लिए यहां पर कुछ जानकारी आपकी पहले से फिलअप है, जैसे कि आपका नेम, आपकी DOBB और साथ ही यहां पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी दी जा रही है। तो बेसिकली यहां पर जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहां पर आपके सामने है। अब आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। जैसे कि यहां से हम BTech सिलेक्ट कर लेते हैं और जो हमारी BTech है ये सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको आपका हाईएस्ट स्ट्रीम चूज करना है। इसको चूज करने के बाद आपके सामने एडिशनल क्वालिफिकेशन आती है और जो अन्य जानकारी वो आती है। फिर आपको यहां पर जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है कैप्चा कोड फिलअप करके सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहां पर जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसके अंदर आपको और अतिरिक्त जानकारी भरनी होगी। जैसे कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहां पर दी गई है, आपने आपका स्ट्रीम यहां से चूज करके रखा है, ईयर ऑफ पासिंग यहां पर आपको सिलेक्ट करना हो कि आपने किस ईयर के अंदर पास की थी, कैंडिडेट स्टेटस क्या है, आपने कंप्लीट कर लिया फाइनल ईयर या फिर अभी आप फाइनल ईयर के अंदर हो, वो आपको चूज करना है। मार्क्स अवेलेबल, आपके मार्क्स किसके अंदर है, परसेंटेज या फिर CGPA, वो आपको चूज करना है। मैंने यहाँ से परसेंटेज सिलेक्ट किया है और आपको बोला है कि एग्रीगेट परसेंटेज टिल 5 सेमेस्टर, यानी कि 5 सेमेस्टर तक आपको यहाँ पर अपनी परसेंटेज एंटर करनी है। 7th सेमेस्टर इन केस ऑफ BTech प्लस MTech, अगर आपकी BTech प्लस MTech है तो आपको यहाँ पर 7th सेमेस्टर के जो परसेंटेज है वो एंटर करने होंगे। फिर आता है एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ ऑल सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर की जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। आपका जिसका फॉर्मेट है वो PDF का होना चाहिए और साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर पूरा नाम एंटर करना है। कॉलेज नेम आपका जो भी है वो यहाँ से आपको एंटर कर देना है। पूरा नाम, कॉलेज स्टेट, आपने किस स्टेट के अंदर बेसिकली आपका कॉलेज स्थित है वो स्टेट आपको चूज करनी है। उसके बाद आपको अपनी कॉलेज डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इज डिग्री AICTE UGC अप्रूव्ड, अगर है तो यस कीजिए, बेसिकली ये अप्रूव होती है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है।
ट्वेल्थ या फिर डिप्लोमा मार्कशीट। अब यहाँ पर आपको ट्वेल्थ की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है, तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी मार्कशीट है आपको उसको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड करना है और यहाँ से ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप नीचे की तरफ देखोगे आपकी ट्वेल्थ की जानकारी, तो बेसिकली यहाँ पर जो आपकी ट्वेल्थ है वो किस प्रकार से है वो आपको चूज करना है। आपको यहाँ पर बताना है कि आपके नंबर मार्क्स के अंदर या फिर सीजीपीए के, और फिर आपको यहाँ पर एक एक करके एक तरफ टोटल मार्क्स एंटर करने, जैसे कि इंग्लिश के टोटल मार्क्स 100 होते हैं, बेसिकली सभी के 100 होते हैं। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि उसमें से आपको कितने आए थे, तो आपको ये जानकारी खुद से भरनी होगी। यहाँ पर टोटल आपको 100 लिखना है और उसमें से आपको कितने आए थे वो एंटर करना है। हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे ट्वेल्थ में, वो सब्जेक्ट को यहाँ पर आपको उसी के सामने 100 डाल करके और जो उसके अंदर आपको नंबर मिले थे वो एंटर करने हैं। फिर यहाँ पर अगर आपको कोई अतिरिक्त सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके आपका जो अतिरिक्त सब्जेक्ट है वो यहाँ से चूज कर लीजिए। नीचे आता है सीरियल नंबर मार्कशीट, यहाँ पर आप सीरियल नंबर ऑफ मार्कशीट भी दे सकते हैं या फिर आपका ट्वेल्थ का जो रोल नंबर था वो भी एंटर कर सकते हैं। स्टेट कंडक्टेड एग्जाम, आपका जो एग्जाम है वो किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था वो स्टेट आपको चूज करनी है। बोर्ड कंडक्टेड एग्जाम, यानी कि आपने किस बोर्ड से अपना एग्जाम दिया था, स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड या फिर इनमें से जो भी बोर्ड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आती है आपकी टेंथ की जानकारी, तो आपको सेम तरीके से यहाँ पर चूज करना है कि आपके नंबर परसेंटेज के अंदर थे, यानी कि मार्क्स के अंदर थे या फिर सीजीपीए के अंदर थे। यहाँ से मार्क्स सिलेक्ट करते हैं, फिर आपको टोटल मार्क्स डालने होंगे सभी सब्जेक्ट के मिला करके, उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको ऑब्टेंड मार्क्स के कॉलम में डालना है और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर सीरियल नंबर ऑफ मार्कशीट, यानी कि जो आपकी मार्कशीट का सीरियल नंबर है वो एंटर करना है। आपको स्टेट कंडक्टेड एग्जाम, यानी कि आपकी स्टेट चूज करनी है, किस बोर्ड से की थी वो सिलेक्ट करना है। टेंथ की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। पासिंग सर्टिफिकेट, अगर आपकी मार्कशीट और जो पासिंग सर्टिफिकेट सेम है तो यहाँ पर दोनों में सेम मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। अब जो आपके सामने यहाँ पर कैप्चा कोड दिया जा रहा है, कैप्चा कोड फिलअप करके आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी, यहाँ पर आपको जानकारी कन्फर्म करने को भी मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट पर एलिजिबल होगे आपकी डीओबी और आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो पोस्ट यहां पर आ जाएगी। अगर आपके सामने ये जो प्रोसेस है ये फॉलो करने के बाद यहां पर कुछ भी नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आप इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर जो अप्लाई नाउ है इसके ऊपर टिक करना है, जिस पोस्ट पर भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के। ये करने के बाद आपके सामने यहां पर आ जाएगा, आपको इनके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद आपको यहां पर जानकारी देखने को मिल पा रही है। फिर यहां पर दोस्तों आपको नीचे आकर के अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, तो चलिए हम यहां पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जानकारी को कंफर्म करने के जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे। आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल पर्टिकुलर्स को कंफर्म करना है, यहाँ पर आपको टिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन एजुकेशनल पर्टिकुलर्स को कंफर्म करना है, आपको जानकारी को चेक करके यहाँ पर दोस्तों क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आपको नीचे आना है और नीचे आकर के यहाँ पर दिया जा रहा है डिटेल्स ऑफ ट्वेल्थ साइंस, तो यहाँ पर आपको बोला यू हैव टू चूज 5 सब्जेक्ट, यानी कि आपको 5 सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करने हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इनके ऊपर टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे अगर के यहां पर आपकी टेंथ की जानकारी दी जा रही है, आपको दिया है कि टेंथ टोटल इंग्लिश मार्क्स, यानी कि टोटल इंग्लिश मार्क्स कितने थे वो आपको एंटर करना है, उसमें से आपको कितने आए थे वो यहां पर आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। तीसरा है आपका मिलिट्री रिकॉर्ड, तो आपको यहाँ पर इनमें आंसर करने हैं। हैव यू बीन डिस्चार्ज्ड फ्रॉम आर्म फोर्स बिफोर, अगर किए गए तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। आपको इन सभी के आंसर अच्छे से रीड करके देने हैं यस नो के अंदर, बेसिकली आपको आपकी बेसिकली जानकारी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। जैसे कि डू यू हैव नेशनल कैडेट कोर्प्स एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। और इन सभी का आंसर देकर के आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कम्युनिकेशन पर्टिकुलर्स आते हैं, जिसमें कि आपकी बेसिकली एड्रेस की जानकारी है, आपको इन जानकारी को चेक करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये करने के बाद आपके सामने आता है यहाँ पर मिसलेंसियस, जिसमें कि हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस एंट्री, यानी कि आपको इस वैकेंसी के बारे में कैसे पता चला, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या फिर एनी अदर, जो भी आप यहाँ पर चूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट मोटिवेटेड यू टू अप्लाई फॉर द नेवी, नेवी में अप्लाई करने के लिए आपको क्या मोटिवेट करता है, आप यहाँ पर कोई भी इसमें रीजन चूज कर लीजिए, जो भी आपका बेसिकली रीजन है वो। डू यू नो स्विमिंग, क्या आपको तैराकी यानी कि तैरना आता है, अगर आता है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू अप्लाइड फॉर गेट, आपने गेट के लिए अप्लाई किया है, अगर किया है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको नीचे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करने के जो विकल्प है वो आ जाएंगे। आपको इनको भी कंफर्म करने के बाद व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लिख के आप इनको चेक भी कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है।
सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंडिकेट प्रेफरेंसेस, यानी कि आपके सामने जो प्रेफरेंसेस है वो आ चुकी है। आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट क्या है वो आपको चूज करना है, सेकंड प्रायोरिटी आपकी क्या है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जहाँ पर आप एक बार फिर से आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को कन्फर्म कर सकते हैं। पर्टिकुलर्स, मिलिट्री रिकॉर्ड, कम्युनिकेशन, मिसलेनियस डॉक्यूमेंट, आपकी जो प्रायोरिटी है वो, और जब आपको लगे कि सभी जानकारी बिल्कुल सही है और मैं इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहता, ये करने के बाद तो आपको सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको यस करना है। और यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूँ कि इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा इन जानकारी को एडिट करने का। तो चलिए हम यस कर देते हैं। यस करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो आपका फॉर्म है वो बेसिकली सबमिट हो जाएगा। आप देखोगे योर एप्लीकेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर इज, आपको आपका एप्लीकेशन नंबर भी मिल चुका है। और यहाँ पर दोस्तों आप अपने फॉर्म का जो प्रिंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्लिक के ऊपर क्लिक करके आपके फॉर्म का जो स्टेटस है वो भी चेक कर पाओगे। यहाँ पर आप सबमिटेड के अंदर देख सकते हो आपकी जो अप्लाई डेट है 18/12/2020। आप यहाँ पर व्यू के ऊपर क्लिक करके जानकारी को व्यू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर्स ऑनलाइन फॉर्म 2020-21 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बैल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।